अंग्रेज जो चाहते थे वो किए। देश में 47 का तब विभाजन का बातें नहीं होता। अब बोलो कि इसके लिए भी गांधी जिम्मेदार। भगत सिंह की फांसी से ज्यादा खतरनाक था ये चीज। अगर महात्मा गांधी 1905 में भारत में रहते ना, महात्मा गांधी 1931 में कहां चले गए? जेल। कहां चले गए? जेल। 1931 पुणे के यरवदा जेल में आए थे दोबारा क्या करने के लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन करने। क्या दोबारा चालू कर रहे? चालू कर। यहाँ पे इरविन को तब तक फोन आ गया। किसका? मैकडोनल्ड का फोन, मतलब संदेश आ गया, कहा कि गिरफ्तार कर तो इनको, बहुते अकड़ में आदमी रहता है, ये ठीक आदमी नहीं है, यहाँ पे ये ठीक नहीं है, इसको भरोसा करने लायक नहीं, खतरनाक, जेल में डाल दो। बस इरविन तो पहले से खार खुल लेता, किन से? गांधी जी। पकड़ के डाल दिया किस में? यरवदा जेल में। किस में? यरवदा जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी जेल में चुपचाप थे, तब तक बुला लिया मैकडोनल्ड ने तृतीय गोलमेज। क्या बुला लिया? तृतीय गोलमेज 1932। और इसमें उसने घोषणा कर दिया सांप्रदायिक पांचांग। ये कोड नाम था जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कह दिया कि अब दलितों को अलग क्षेत्र दिया जाएगा। ये बताइए, क्या ये डिसीजन अच्छा था? आप अलग क्षेत्र कैसे दे सकते हैं? आप आरक्षण दीजिए, सब कुछ दीजिए, क्षेत्रवा अलग कैसे दे दीजिएगा भाई? वरना दूसर कोई उस क्षेत्र में जाएगा तो उसको उठपटांग 370 वाली फीलिंग आने लगेगी, समझ आएगी कि नहीं आएगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगा वहां पर, क्योंकि उस जगह से केवल एक ही जात के लोग आएंगे तो कानूनों बना देंगे अपने हिसाब से। कैसे कश्मीर वाला अपने हिसाब से कानून बना? अब यहां पर सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दिया। अब बोलो कि इसके लिए भी गांधी जिम्मेदार है? देख लिए ना, अंग्रेज जो चाहते थे वो किए। भगत सिंह की फांसी से ज्यादा खतरनाक था ये चीज, लेकिन इस पे लोग नहीं बोले, लेकिन युवा किस पे बोले? भगत। महात्मा गांधी रोकना चाहे कि नहीं? जाए रुक गया, तो महात्मा गांधी फांसी भी रोकना चाहे थे, रुक गया नहीं। अब महात्मा गांधी टेंशन में आ गए। अब जैसे महात्मा गांधी को सुनाई दिया कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हो गई, अब मुसलमानों को जैसे अलग क्षेत्र मिला था, अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला था, दलितों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला, महात्मा गांधी पूरे भड़क गए यहाँ पर। और अंबेडकर साहब से कहेंगे, ठीक नहीं हुए अंबेडकर साहब, आप दलितों के बारे में सोच रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये दूरदर्शिता के लिए सही नहीं। आप अंग्रेजों की जाल में फंस रहे हैं, आप उनकी सहायता कीजिए, हम भी आपके साथ खड़े, लेकिन जाल में मत फंसिए। तो अंबेडकर साहब कुछ सुने नहीं, महात्मा गांधी जेल में अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे। अब भू करता, हाँ, जेल में, यरवदा जेल में। एक हफ्ता जब अनशन पे बैठे ना, महात्मा गांधी का तबियत खराब हो गया। अब लोग अंबेडकर साहब को कहने लगे कि अंबेडकर साहब, आप ही की वजह से भूख हड़ताल पे बैठल हैं। अंबेडकर साहब अलग परेशान हो गए, यार ये तो इसको कुछ हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे यहाँ पे। अब अंबेडकर साहब परेशान हो गए यहाँ पे। अब अंबेडकर साहब के पास डबल समस्या थी, उन्हें रियलिटी में दलितों को अधिकार चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से अंग्रेज देना चाहते थे वो अंबेडकर साहब को एक ट्रैप, एक जाल में फंसा चुके थे, सब पूरा फंसा चुका था सब इसमें। महात्मा गांधी जेल में बैठ गए वहां पे, कहें कि हम नहीं मर जाएंगे लेकिन कम्युनल अवार्ड होने नहीं देंगे। और महात्मा गांधी अगर जिंदा, अगर महात्मा गांधी 1905 में भारत में रहते ना, मुस्लिम लीग ना बनने देते और ना ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देते, और देश में 47 का तब विभाजन का बातें नहीं होता, बातें नहीं होता वहां पे। अरे वो तो 1909 में ही कम्युन सांप्रदायिक पंचांग दिया गया था, मुसलमानों को पृथक क्षेत्र दिया गया था, उसी की बात एक थोड़ी सी बड़े लेवल पे हो गई पाकिस्तान की बात, वरना गांधी उस समय थे नहीं थे, बाकी लोग तो थे ना, राजबिहारी बोस उस समय थे और गोपाल कृष्ण गोखले, ये दुनिया भर के लोग काई नहीं किया यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी, योमेश चंद बनर्जी, इन्होंने तो चुपचाप दे दिया यहाँ पर। अब बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने तो समझौता भी करा दिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। अब महात्मा गांधी लखनऊ में टुकुर टुकुर देख रहे थे, समझौता हो गया, पहला अधिवेशन है मेरा। लेकिन जब महात्मा गांधी आए, नहीं दिया उन्होंने, और जेल में महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था? अनशन कर दिया था। अब अंबेडकर साहब को माथा दर्द कर गया, अरे भाई साहब का कुछ हो गया ना तो भीषण बवाल हो जाएगा, क्योंकि उस समय देश में जब हिंसा होती तो अंग्रेज उस हिंसा को फैला देते और फिर ये लड़ाई हो जाती दलित बनाम अपर कास्ट, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब महात्मा गांधी अनशन पे, अब क्या किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा, तेज बहादुर सप्रू ने, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने अंबेडकर साहब को कहा कि चलिए जेल में चलिए, हम दोनों में समझौता करा देते हैं, अब ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बवाल हो जाएगा, देश का माहौल खराब हो जाएगा, यहाँ पे आंतरिक गृह युद्ध की समस्या हो सकती है आपको, आंतरिक मामले में ऐसा होता है। अंबेडकर साहब का, हाँ हाँ चलिए चलिए, फंस जाएंगे हम, चलिए ये सब ठीक नहीं है आप। तो महात्मा गांधी दलितों के खिलाफ नहीं थे, समझिए, महात्मा गांधी जब अंबेडकर साहब के बीच में यरवदा जेल में जब बैठक हुई तो अंबेडकर साहब ने कहा कि गांधी जी आपको भी पता है कि दलितों की स्थिति कितनी खराब है,
हमें उनके लिए 71 सीटें चाहिए चुनाव में। कितने सीटें चाहिए? 71। से अगर हम उनको इतना सीट देंगे तो वो जाके संसद में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने लिए कानून बना सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि अंबेडकर साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन अगर आप कह दीजिएगा कि केवल और केवल एक क्षेत्र से केवल और केवल कौन आएगा, दलित ही आएंगे, तो दिक्कत इस बात की हो जाएगी कल को वो अपने उस एरिया को वो भारत से ज्यादा अपना एरिया समझने लगेंगे। समझ में आएगी कि नहीं? अंबेडकर साहब ने कहा कि हाँ आपका कहना सही है, इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया कि सारे समाज का हर इंसान पढ़ा लिखा हो जाए ये जरूरी नहीं है। कोई ऐसी जाति है क्या जिसमें सारे लोग पढ़े लिखे? कुछ तो और पढ़ाए जाएंगे। तो महात्मा गांधी यही कह रहे थे कि मान के चलिए अगर आप इतना एरिया को कह देते हैं कि ये केवल और केवल किसके लिए हो जाएगा, तो कल को ये इनको लगेगा कि इनका एरिया। तो आप समाज सुधार ठीक है, लेकिन इस आड़ में आप ये ना करें कि मतलब आगे जाके दिक्कत हो जाए। तो अंबेडकर साहब ने कहा गांधी जी से कि आप ही कुछ सुझाव दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए आप दलितों के बारे में सोच रहे हैं 71 सीट, हम आपको 148 दे देते हैं। कितना देते हैं? 148। अंबेडकर साहब कहीं और इनका कहा गुंजी हो गया यहाँ पे, समझ आगे कि नहीं आ गया? कितना देंगे? 148। लेकिन 148 सीट अलग अलग, एक को यहां ले लीजिए, कभी यहां ले लीजिए, एक तो यहां यहां ऐसे करके आप जहां तहां से लीजिए, ठीक है, ऐसे सीट लीजिए। इस सीट से फायदा क्या होगा कि हर एरिया से जो पिछड़ी जाते हैं उनका कुछ ना कुछ उत्थान होगा और धीरे धीरे पूरा समाज बदलेगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन समाज बदलेगा। आपको 71 चाहिए था ना, हमने आपको कितना दिया? 148 दिया यहां पे। लेकिन पृथक क्षेत्र नहीं देंगे, संयुक्त क्षेत्र देंगे। पृथक क्षेत्र नहीं देंगे, संयुक्त। तो अंबेडकर साहब आरक्षण भी चाहते थे और पृथक क्षेत्र भी चाहते थे। महात्मा गांधी ने कहा कि आरक्षण होगा और आरक्षण इससे ज्यादा होगा लेकिन संयुक्त क्षेत्र में होगा। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने तृतीय गोल में सम्मेलन में आरक्षण सहित पृथक निर्वाचन दिया, जबकि पूना में जो समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में उसमें आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन हो गया। आज भी हमारे यहाँ यह व्यवस्था लागू है। आपके यहाँ जब कभी मुखिया या सांसद विधायक का चुनाव होता होगा तो सुनते होंगे कि इस बार ये सीट महिला के लिए रिजर्व है, इस बार ये सीट दलित के लिए रिजर्व है, ऐसे सुनते हैं। अच्छा, वो हमेशा नहीं रिजर्व रहेगा, फिर हटा के दूसरे जगह भेज दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए गांधी दूरदर्शी थे कि नहीं थे? इसके बावजूद गाली दे देते हैं लोग तो हमको अजीब समझ में आता है। उस इंसान को आप कभी नहीं समझा सकते जिस इंसान ने इतना कुछ किया यहां पर, उसको भी लोग गरिया देते हैं। अंबेडकर साहब भी खुश हो गए, कहे कि गांधी जी हमारा आपके प्रति विचार बदल गया, हमें ऐसा लगता था कि आप समर्थन नहीं है। तो कहा कि तुरंत बड़का हम समर्थन लो। समझा गया कि नहीं? 148 171 से ज्यादा हम लोग बढ़िया, 171 के जगह 48। अच्छा, अब दलितों के भी मन में किसके प्रति आदर की भाव ज्यादा आ गए, उनको भी लग गया कि हमें दो नेता मिल गए। अंबेडकर साहब तो थे ही, गांधी जी भी हल्ला हो गया कि अंबेडकर साहब 71 दिला रहे थे और गांधी जी 148। बाबा बाबा एकदम बढ़िया हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और यह समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहां पे हुआ था? पुणे के किस जेल में? यरवदा जेल में। बताइए इसे पूना पैक्ट, पैक्ट मतलब होता है समझौता, पूना पैक्ट कहते हैं। बताइए पूना पैक्ट कब हुआ था? हाँ, 24 सितंबर 1932।